हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है फ्री फायर लवर्स के लिए। जो लोग फ्री फायर को अपने पीसी या लैपटॉप पे खेलना चाहते बट खेल नहीं पाते क्योंकि यार अच्छा एमुलेटर नहीं है, लैग करता है, एफपीएस ड्रॉप होता है, काफी सारा लिस्ट है यार एरर का और काफी सारा प्रॉब्लम है एरर का। तो वेल गाइस, अगर आप ये इन सभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो भैया आप कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे 5 एमुलेटर लेके आया हूँ, वो भी नए एमुलेटर, ठीक है, कुछ ऐसे नए 5 एमुलेटर लेके आया हूँ जो कि आपके फ्री फायर गेम्स के लिए ही बने हुए हैं। तो अगर आपको जानना है कि भैया कौन से नए 5 एमुलेटर है तो भैया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इन 5ों नए एमुलेटर का लिंक्स आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्या हमारा फ्री फायर इसमें लैग करेगा, तो मैंने गेम प्ले के साथ आपको दिखाया, तो पहले एमुलेटर को जान लो एंड देख लो उस गेम प्ले, उसके बाद जो एमुलेटर सही लगे वो एमुलेटर को आप इंस्टॉल करके प्ले करो। दूसरी बात कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो बहुत ही गलत काम कर रहे हो तुम। फ्री फायर लवर होके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जो लाल रंग का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो और अंगूठा लगा के लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला एमुलेटर आता है, उस एमुलेटर का नाम है वकुओ। वकुओ एक लो एंड पीसी एमुलेटर है। अगर आप इसे हाई एंड पीसी में भी चलाते हो तो काफी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है कंपेयर टू अदर एमुलेटर। ऑटो हार्डवेयर डिटेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जब आप इस एमुलेटर को आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई सेटिंग करने का जरूरत नहीं है, यह एमुलेटर अपने आप ही आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इस एमुलेटर में आप काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हो। एमुलेटर में आप फ्री फायर काफ़ी मक्खन जैसा खेल सकते हो, मतलब एकदम मक्खन जैसा चलेगा भाई इस एमुलेटर का। तो इस एमुलेटर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इस एमुलेटर में काफ़ी सारे गेम्स का यहाँ पर प्री ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड दूसरी बात कि इस एमुलेटर में आपको की मैपिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लाइट एमुलेटर है दोस्तों, आपके पीसी में कोई भी ये ओवर सीपीयू कंजम्पशन नहीं करेगा। काफ़ी अच्छा एमुलेटर है, आपको ज़रूर से इस एमुलेटर को एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए अगर आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं अच्छे FPS के साथ। के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में ये वकुओ एमुलेटर काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 900 MB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस एमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए। मन कर रहा है ट्राई करना है, लिंक है वेबसाइट पे, कूद फन के जाओ आराम से इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे सेकेंड एमुलेटर के ऊपर। तो वेल गाइस, जो हमारा सेकेंड एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है SGNL एमुलेटर फॉर फ्री फायर। तो वेल गाइस, ये भी एक आपका हाई ऑप्टिमाइज एमुलेटर है आपके फ्री फायर के लिए। सिर्फ फ्री फायर के लिए ये एमुलेटर को डेवलप किया गया है, बेहतरीन एमुलेटर है आपके फ्री फायर के लिए। एंड इसमें आपको फ्री फायर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं, क्यों के लिए इसमें आपको प्री फ्री फायर इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। आखिर फ्री फायर के लिए एमुलेटर है तो भैया इसमें गेम कैसे ना रहे। और आपके मन में एक सवाल ये होगा कि भैया क्या इसमें नया अपडेट वाला गेम मिलेगा, तो बिल्कुल इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है। एंड अगर इन फ्यूचर अगर फ्री फायर का कोई भी अपडेट आता तो इस एमुलेटर में आपको मिल जाता है। एमुलेटर की बात करें तो एमुलेटर लो एंड पीसी में भी चलता है, हाई एंड पीसी में भी चलता है। लो एंड पीसी में काफ़ी अच्छा चलता है, हाई एंड पीसी में और भी अच्छा चलता है। तो अगर आपके पास एक लो एंड पीसी या लैपटॉप है या उसमें एमुलेटर नहीं चल रहा है तो SGNL एमुलेटर को एक बार ज़रूर ट्राई करना। 2 GB का रैम है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, डुअल कोर का प्रोसेसर है, एक बार ज़रूर से इस एमुलेटर का ट्राई करना। एमुलेटर का साइज अप्रॉक्स 1 GB के आसपास है। आप बोलोगे भाई 1 GB का एमुलेटर, तो भैया इसमें गेम भी तो आपको मिल रहा है, तो प्री इंस्टॉल गेम इसमें मिल जाता है। की मैपिंग करने का कोई भी झबेला नहीं, काफ़ी OP एमुलेटर है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर गेम प्ले देख सकते हो, हमारा गेम काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है हमारे लो एंड पीसी लैपटॉप पे। तो अगर आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया किस बात के लिए रुके हुए, नीचे लिंक है वेबसाइट पे, उठ जाओ और इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर लो। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड एमुलेटर के ऑल राइट। तो वेल गाइस, जो हमारा थर्ड एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है ब्लू स्टैक एक्स क्लाउड। अब भैया ये कोई एक एमुलेटर नहीं है बट हम इसे एमुलेटर के कैटेगरी में रखेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये आपका वन ऑफ द बेस्ट एमुलेटर है। अगर आपके पास 1 GB रैम है यार, आपके पास अगर 512 MB रैम है ना और आप एक क्रोम चलता है तो भैया आप फ्री फायर खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो को देख लो। तो जो अभी आप गेम प्ले देख रहे हैं, ये मैं ब्लू स्टैक एक्स क्लाउड पे इस गेम को खेल रहा हूं एंड मेरे को कोई भी डाउनलोड अपडेट करने का जरूरत नहीं है। के साथ खेलते हो, मोबाइल नेटवर्क के साथ खेलते हो तो भी आपको हाई पिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा, रैना का गेम मक्खन जैसा चलेगा। यहां पर मैंने इस एमुलेटर पे कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको की मैपिंग करना है, तो भैया वो सभी का वीडियो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख लेना, तो आप वहां से जाके एमुलेटर में गेम इंस्टॉल कर सकते हो एंड प्ले कर सकते हो। एमुलेटर की बात करें तो लाइट वेट एमुलेटर है यार, सबसे कम साइज का हमारा एमुलेटर है, मात्र KB में
भैया बताओ कीवी में अब कौन सा एमुलेटर आता है। ब्लू स्टैक एक्स की बात करें तो भैया एक क्लाउड गेमिंग एमुलेटर है, यहाँ पर आप वर्चुअल पीसी में आप गेम खेलते हो, जिस वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको हाई ग्राफिक्स देखने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप BGMI, फ्री फायर, पबजी, न्यू स्टेज, काफ़ी सारे गेम को प्ले कर सकते हो। PCL लैपटॉप नहीं तो भी आप बिना डाउनलोड किए गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो ब्लू स्टैक एक्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास एक हाई रेंज वाला PCL लैपटॉप नहीं है या उनके पास एक गवर्नमेंट लैपटॉप है। तो भैया ब्लू स्टैक एक्स क्लाउड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसका कोई बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके PCL लैपटॉप पे क्रोम चलना चाहिए, क्रोम इंस्टॉल होना चाहिए और आप फ्री फायर या कोई भी गेम एंड्रॉयड गेम खेलने के लिए रेडी हो। देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली यहाँ पर हमारा गेम चल रहा है एंड की मैपिंग का भी यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका मन मान रहा है चलो यार एक इंस्टॉल करके देख ही लूँ यार, क्योंकि इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, तो नीचे लिंक है वेबसाइट का, खुद फन के जाओ इस एमुलेटर को ट्राई कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एमुलेटर के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा फोर्थ एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है GT Arcade। GT Arcade की बात करें तो ये आपके फ्री फायर के लिए काफ़ी OP एमुलेटर है, क्योंकि इस एमुलेटर में भी आपको ऑटो सिस्टम रिक्वायरमेंट डिटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड इसमें कोई भी YTVT अनेबल करने का लोचा पोचा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमुलेटर है जिसमें आपको YT को अनेबल करना रहता है तब जाके आपका जो गेम एमुलेटर है वो अच्छे से चल पाता है। तो ये आपके इंटेल HD ग्राफिक कार्ड या आपके पास 512 MB ग्राफिक कार्ड या इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है तो भैया ये एमुलेटर काफ़ी OP है, आपको ज़रूर से इस एमुलेटर को ट्राई करना चाहिए एंड यहाँ पर आपको कोई भी की मैपिंग का लोचा पोचा देखने को नहीं मिलने वाला। इसमें आप काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हो, फ्री फायर खेल सकते हो, फ्री फायर मैक्स खेल सकते हो, BGMI खेल सकते हो, माइनक्राफ्ट इनफैक्ट खेल सकते हो, तो काफ़ी सारे गेम्स है यार आप ट्राई कर सकते हो। एंड इस एमुलेटर का यार क्या कहना, काफ़ी स्मूथ चलता है एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमम FPS देखने को मिलता है, जो कि ये एमुलेटर खासकर डेवलप किया गया है लो एंड PCL लैपटॉप के लिए, तो काफ़ी आसानी तरीके से चलेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2 GB का रैम होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड 512 MB होना चाहिए और प्रोसेसर कोई भी प्रोसेसर में चल जाए, कोई ऐसा रिक्वायर्ड प्रोसेसर नहीं, बट यहाँ पर मैंने इसे i3 में टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा चल रहा है और स्पेस आपके पास मिनिमम 1 GB के आसपास होना चाहिए, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एमुलेटर का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है एंड देख सकते हो यार गेम प्ले देख लो कितना स्मूथ यहाँ पर हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अपने को देखने को मिल जाता है। आप इस सिमुलेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस सिमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट फिफ्थ एंड लास्ट एमुलेटर के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है फ्री फायर गरीना स्मार्ट। तो भैया खासकर आप नाम से ही पता कर सकते हो सिर्फ फ्री फायर के लिए ही एमुलेटर को डेवलप किया गया है और मैं बता दूं कृपया करके इसमें आप कोई और गेम ना खेले नहीं चलेगा, सिर्फ फ्री फायर के लिए ही इस एमुलेटर को डेवलप किया गया है। ये एमुलेटर बेसिकली आपके लो एंड PCL लैपटॉप पे काफी मक्खन जैसा चलता है और इस एमुलेटर में भी आपको गेम इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं, प्री इंस्टॉल गेम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साइज यहां पर 1.2 GB देखने को मिल जाता है तो एमुलेटर का साइज यहां पर थोड़ा एक्सपैंड है, बट यहां पर आपको प्री इंस्टॉल गेम देखने को मिल रहा है भैया, तो एक तरह से प्लस पॉइंट वहां आप देख सकते हो। एमुलेटर की बात करें तो काफी अच्छा FPS यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको ब्लरी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा प्लेबल ग्राफिक्स साथ अपना फ्री फायर को यहां पर प्ले कर सकते हो एंड की मैपिंग का भी यहां पर कोई भी यहां पर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसे कि एमुलेटर का इंटरफेस देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है एंड यहां पर जो आप गेम खेलेंगे तो काफी मक्खन जैसा यहां पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप गेम प्ले देख सकते हैं यहां पर मेरे कोई भी लैगनेस, अगर आप इस सिमुलेटर की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो काफ़ी कम है, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB ग्राफिक कार्ड में भी आराम से चल जाएगा, प्रोसेसर में ये सिमुलेटर चल जाएगा और स्पेस की बात करें तो मात्र 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस सिमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस सिमुलेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर लिंक है, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बल्कि यही कुछ 5 नए सिमुलेटर थे आपके फ्री फायर के लिए, मेरे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो फ्री फायर खेलते हैं। देखो ये गलत बात है ना, वीडियो देख लिए आए सब्सक्राइब नहीं किए, जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के जाना एंड बेल आइकन को जोर से दबा देना, जैसे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर ले, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।